नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स आर पर। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। तो आपको मैंने आज के मैच की पूरी डिटेल्स बता दी हैं। आईपीएल में आज के मैच यानी केकेआर वर्सेस मुंबई इंडियंस अभी तक का रिकॉर्ड क्या कहता है वो मैंने आपको बता दिया है। मैंने ये भी बता दिया है कि कोलकाता नाइट राइडर्स किस प्लेइंग 11 के साथ मुंबई के खिलाफ उतर सकती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मुंबई इंडियंस किस प्लेइंग 11 के साथ आज के मैच में उतर सकती है। तो मुंबई की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार हो सकती है। रोहित शर्मा प्लस क्विंटन डिकॉक ओपनिंग करेंगे। सूर्य कुमार यादव तीन नंबर पर आएंगे। सौरभ तिवारी एक बार फिर से उन्हें मौका मिलेगा क्योंकि पिछले मैच भी उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली थी। फिर हार्दिक पांड्या, कारन पोलार्ड, कृणाल पांड्या, जेम्स पैटिनसन, राहुल चाहर, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह। यानी कि रोहित शर्मा कोई चेंज नहीं करने वाले हैं, वो अपनी उसी टीम के साथ उतरेंगे जिस टीम के साथ वो पहले मैच में उतरे थे। रोहित शर्मा को लगता है कि उन्हें चेंज करने की अभी कोई जरूरत नहीं है, जिस जिसको खिलाया गया था उसने अपना रोल निभाया। मैच भले ही रोहित शर्मा हार गए हो लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी वो अपनी प्लेइंग 11 में चेंज करेंगे। तो एक तरीके से एमआई उसी प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी जिसके साथ वो सीएसके के खिलाफ उतरी थी। तो ये बड़ी अपडेट है। अब इसके हिसाब से आप अपनी बेस्ट ड्रीम 11 प्लेइंग टीम भी बना सकते हैं और जो आपको प्राइज जिता सकती है। और अगर इस वीडियो को आपको ये देखना है कि क्या आपके लिए बेस्ट प्लेइंग 11 हो सकती है अगर आप क्रिकेट फैंटेसी लीग खेलते हैं, तो अगला वीडियो मैं आपके लिए वही बनाने जा रहा हूं। स्पोर्ट्स आर्ट पर आप बने रहिए, देखते रहिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और साथ ही साथ लाइक भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।